कोई नहीं चलेगा साहब, जब तक वापस नहीं होगा कुछ नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, हमसे गाड़ी नहीं, हम ड्राइवर हैं, हमसे गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, कानून वापस करे सरकार तत्काल। अगर नहीं सरकार मानेगा तो और बढ़ेगा, चक्का जाम रहेगा। कानून तो आज तक ऐसा हुआ, 1 लाख रुपया ड्राइवर साहब कुछ जमा किए हैं, इतना इतना उम्र हो गया, कहाँ 10 लाख रुपया देंगे, 10 साल जेल भोगे तो बच्चा तो मरिए जाएगा 10 साल के अंदर उनका। नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शिवम। केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके बाद से देश के कई राज्यों में बड़े वाहनों के पहिए पर ब्रेक लग गया। हम आज भागलपुर के बस डिपो पर मौजूद हैं और कोयला डिपो, बस डिपो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सभी गाड़ियों पर विराम लग गया है। जो बस डिपो रोजाना यात्रियों और बसों से गुलजार रहता था, वह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। साथ ही साथ जितने यात्री यात्रा करने के लिए बस डिपो तक पहुंच रहे हैं, उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां आने के बाद उन्हें मालूम पड़ रहा है कि बस चालकों का हड़ताल चल रहा है, जिस वजह से यात्रियों को तमाम प्रकार की असुविधा हो रही है और परेशानी का सामना करना। हमारे बीच बस चालक भी बात करेंगे, क्या कुछ आप लोग की मांग है और क्यों आप लोग हड़ताल पर चले गए? हड़ताल मांग है सर, नया संशोधन कानून सरकार बनाई है, 7 लाख रुपया 10 साल का सजा, तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे सर? 7 लाख रुपया 10 साल सजाए है, कहाँ से 7 लाख रुपया दे पाएंगे? अभी किस तरह की परेशानी हो रही है, हड़ताल कब से है आप लोगों का? हम लोग का 2 दिन से हड़ताल है सर। 2 दिन से? हाँ, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 2रा दिन है। अगर नहीं सरकार मानेगा तो और बढ़ेगा, चक्का जाम रहेगा। यात्रियों की तो परेशानी बढ़ी, आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है अभी की गाड़ी खड़ कर दी, अब हम लोग अपना अपना घर जाएंगे, कैसे फिर होगा रोजी रोटी? कैसे रोजी रोटी होगा, रिक्शा ठेला चलाएंगे, वो रोज इससे अच्छा तो रहेगा ना, रिक्शा ठेला चलाएंगे तो बस से अच्छा रहेगा कि रिक्शा ठेला चलाएंगे, और कहाँ से 7 लाख रुपया देंगे? 500 टके कमाएंगे, 400 टका कमाएंगे, बाल बच्चा पोसेंगे कि सरकार के 7 लाख रुपया देंगे? तो गलत कानून आप बहुत 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 बड़ा कानून गलत बना है सरकार तरफ से, सरकार को वापस लेना चाहिए इस कानून को, वापस लेना चाहिए। हाँ, आप तस्वीरें देख रहे हैं भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड पर, ये तमाम जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये सभी यात्री हैं, अलग अलग जगह यात्रा करने के लिए बस डिपो पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है। सभी यहाँ पर पहुंचे हैं लेकिन बस नहीं चल रहा है, बस जो चालक है, साथ ही साथ यहाँ पर डिपो के जो लोग हैं, कोऑर्डिनेटर है, टिकट कलेक्टर है, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ परेशानी हो रही है, बस नहीं चल रही है? परेशानी नहीं हो रही, हम लोग भूखे कल से मर रहे हैं यहाँ, कोई खाने के लिए रुपया नहीं दे रहा था, परेशानी करते हैं। आप कौन हैं? हम कंडक्टर हैं बस का, इस बस का। सभी बस लगी हुई है, कब तक चलेगा इस तरह से? कोई जहाँ तक वापस नहीं आता तक नहीं चलेगा, जब तक कानून नहीं वापस। हाँ, क्या कैसे चलेगा घर फिर? अगर तब घर कैसे चलेगा? यही ना, तो करेंगे ठेला रिक्शा किनेंगे, बस को छोड़ देंगे, चले जाएंगे, मालिक समझेगा अपना। तब कानून को किस तरह से देखते हैं? कानून होकर वापस करेगा ना, हम क्या करेंगे? कानून कैसा कानून है ये? कानून तो आज तक ऐसा हुआ, 1 लाख रुपया ड्राइवर साहब कुछ जमा किए हैं, इतना दिन इतना उम्र हो गया, कहाँ 10 लाख रुपया देंगे, 10 साल जेल भोगे तो बच्चा तो मरिए जाएगा 10 साल के अंदर इनका, ऐसे ही गाड़ी चलाएंगे। तो समस्याएं अनेक है, यात्रियों के बीच भी समस्या है, बस चालकों के बीच भी समस्या है, कैसे देखते हैं इस कानून को, कब तक चलेगा इस तरह से? कोई नहीं चलेगा साहब, जब तक वापस नहीं होगा कुछ नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, हमसे गाड़ी नहीं, हम ड्राइवर हैं, हमसे गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ, कानून वापस करे सरकार तत्काल। हाँ, ज्यादा देर नहीं करे तो महंगाई इतना बढ़ जाएगा और परेशान हो जाएगा सरकार। ये कौन सा प्रावधान है जी, बेवजह के सबको मारने का काम है ये ड्राइवर को, एक तो पब्लिक मारता है, जहाँ जाओ वहाँ ही मतलब परेशानी ही परेशानी है, दूसरा सरकार ऊपर से प्रावधान लगा दिया 10 लाख 5 लाख रुपया, आज तक 50,000 जमा करने के लिए हम लोग नामुमकिन है, उतना ही पैसा मिलता है, परिवार भी नहीं चल पाता है, ड्राइवर कुछ नहीं है जी, इसलिए हम ड्राइवर बंद कर दिए, नहीं चलाएंगे, सब्जी का दुकान जाते हैं खोल लेंगे, अपना सब्जी बेचेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो तमाम जो चालक है, बस मालिक है, ये सभी इस कानून के वजह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो यात्री बस डिपो तक पहुंच रहे हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े चक्कों पर, बड़े वाहनों पर ब्रेक लग गई है, तो परेशानी जरूर बढ़ी है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, यह हड़ताल अगर ज्यादा दिन तक चला तो जो सब्जियां हैं, फल हैं, जो सामान है जो बाजारों तक पहुंचते हैं वो भी नहीं पहुंच पाएंगे, इस वजह से महंगाई में भी काफी इजाफा हो सकता है, परेशानी तो बड़ी है।
लेकिन महंगाई इस परेशानी को और भी दोगुना कर सकती है। लेकिन देखेंगे तमाम यात्री भी जो पहुंचे हुए यहाँ पर, ये बस डिपो हजारों जो संख्या में यात्री यहाँ पर रोजाना रहते थे वो अभी देखिए इस बस डिपो की हालत जो है ये बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, एक भी यात्री नजर नहीं आ रहे हैं। जो बस यहाँ पर लगी, ये बस देखिए पटना को जाती थी लेकिन ये इस पर पूरी तरह से चक्के पर विराम लग गया है, पूरी तरह से आवाजाही जो है वो बाधित हो गई। और केवल ऐसा ही नहीं, देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है और भागलपुर में भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।